रायपुर से खबर है, मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। मंत्री के आवास पर जुटे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। शंकर नगर में बैठक हो रही है कांग्रेस की। बैठक में सभी मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी शैलजा, दो सचिव भी मौजूद हैं इस बैठक में। बैठक में मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं सत्ता और संगठन के। शंकर नगर में यह बैठक हो रही है कांग्रेस की, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में सभी मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और दो सचिव भी इस बैठक में मौजूद बताया जा रहा है। खबरें ये हैं कि बैठक में मंत्रियों से फीडबैक दिया जा रहा है। चलिए, इस बैठक पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर और बैठक का मकसद क्या है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सीएम सिक्योरिटी यहां पर आ चुकी है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे और विधायक सत्यनारायण शर्मा पहुंचे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ और विधायक पहुंचे हैं और मंत्री जो है, जो भी मौजूद है यहां पर, वो पहुंचेंगे क्योंकि संभागीय जो सम्मेलन हुआ है जगदलपुर में, वहां शामिल होने के लिए गए थे। कुमारी शैलजा थोड़ी देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में और मंत्री मोहम्मद अकबर भी जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दुर्ग गए हुए थे, तो वो भी यहाँ पर अभी पहुंचेंगे और उसके बाद में बैठक होगी और डिनर के साथ में ये पूरी चर्चा होगी। खासतौर पर अगर हम बात करें तो बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनी रही है। आज बस्तर में जो जगदलपुर में जो सम्मेलन हुआ संभाग स्तरीय, उसमें तो रणनीति बनी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मंत्रियों के जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी ली जाएगी और जो मौजूद रहेंगे मंत्री वो अपने क्षेत्र की जो भी अभी तक की जो चुनौतियां हैं या जो भी उपलब्धियां रही हैं वो बताएंगे और उसके साथ ही जो और भी जो मंत्री हैं उनकी भी क्षेत्र की जानकारी जो है वो ली जाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चूंकि मोहम्मद अकबर जो है उनके बंगले में पहली बार इस तरह की बैठक हो रही है, तो कई तरह के कयास भी इस बैठक को लगाए जाते हैं, कई तरह की संभावनाएं भी व्यक्त की जाती है, कई तरह के जो मैसेजेस भी जो है उसके निकाले जाते हैं, संदेश जो कि इसके किस तरह के संदेश हैं। ये भी जरूर है कि इस बैठक को लेकर काफी गोपनीयता बरतने की कोशिश की गई जब तैयारियां की जा रही थी। आम लोगों का प्रवेश जो है करीबन 3 घंटे पहले से यहां पर बंद कर दिया गया है और जो दोनों ही प्रभारी सचिव हैं चंदन यादव और इसके साथ ही सप्तगिरी शंकर उलाका, वो भी इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में ये बैठक चलेगी और जाहिर तौर पे देर रात तक ये बैठक चलेगी और डिनर के साथ में जो है वो कुमारी शैलजा बातचीत करेंगी। 7 तारीख को भी जो है वो बिलासपुर संभाग को लेकर बैठक है और बिलासपुर संभाग को लेकर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो उसके पहले किस तरह की रणनीति हो सकती है इस पर बातचीत होगी और बस्तर के संभागीय सम्मेलन में जो स्ट्रेटेजी बनी है उस पर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो चर्चा होगी। पूरी तरह से चुनावी मोड में जो है वो पार्टी एक तरह से आ गई है, लेकिन बस ये बात यही है कि अगर सम्मान भोज में अगर ये इस तरह की बैठक रखी जाती तो उसकी सूचना दी जाती और भी लोग शामिल उसमें होते, लेकिन जिस तरह से लिमिटेड गेस्ट को लेकर रखा गया, गोपनीयता बरती जा रही, तो जाहिर तौर पर इस बैठक के अपने कई मायने भी निकलते हैं। जी बिल्कुल, चुनावी मूड में है इस समय पार्टी और फीडबैक ले रहे हैं मंत्रियों से, ये भी बात निकलकर सामने आई है और चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है फीडबैक लेना बहुत आवश्यक। ये भी जानना चाहूंगा ममता आपसे कि मोहम्मद अकबर के निवास पर ही ये बैठक क्यों? आमतौर पर हमें देखा है सीएम निवास में या पीसीसी दफ्तर में ऐसी बैठक होती है, कोई इसकी खास वजह या फिर सामान्य तौर पर ही मोहम्मद अकबर के निवास पर ही बैठक हो रही है? बिल्कुल, देखिए और ये इसीलिए जो ये बैठक है थोड़ी सी दिलचस्प हो गई है क्योंकि अमूमन थोड़ी दूर पे तो राजीव भवन है, थोड़ी दूर पे जो है वो अगर हम बात करें तो सीएम का निवास है, थोड़ी दूर पे जो है पहुना है। ये देखिए, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो टारगेट है वो यहाँ पर बस अब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस यहाँ पर जो है वो भीतर पहुंचने ही वाले हैं और ये
आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो उनका जो टारगेट है वो पहुंच रहा है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो मोहम्मद अकबर के बंगले में जो बैठक हो रही है, तो ज्यादातौर पर इस बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक मैसेज भी इससे जा रहा है। सामने जो है मंत्री रविन्द्र चौबे का भी बंगला है, और अगर हम बात करें तो जयसिंह अग्रवाल का बंगला है, जयसिंह अग्रवाल का बंगला है। तो ये अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुमारी शैलजा और मंत्री मोहम्मद अकबर भी जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही है। बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये उनका काफिला आता हुआ मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास पर, सीएम भूपेश बघेल का काफिला। आगे बढ़ेंगे, भिंड से खबर है, सराफा व्यापारी की हत्या हुई है, बदमाशों ने गोली मार दी, गोली मारने के बाद चाकू से वार किए, मौके पर ही व्यापारी की मौत हो गई, व्यापारी का सामान लूट कर भागे हैं बदमाश, उमरी में सराफा व्यापारी की हत्या का ही मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भिंड संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये उमरी थाना इलाके का मामला है, जो कि व्यापारी अपनी दुकान से अपने घर जा रहा था, साइकिल से सवार, साइकिल पर उसने अपने सोने चांदी के जेवरात और नकदी कुछ लगभग 1.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, और लगभग 50 लाख से अधिक कीमत का अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि जेवरात भी होंगे, और अपने दुकान से अपने घर जा रहा था। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा है, वैसे ही जो घात लगाए हुए बैठे थे अज्ञात हमलावर, नकाबपोश थे चूंकि, और उन्होंने आकर सबसे पहले तो चाकू से रस्सी काटकर, रस्सी से बंधा हुए थे जेवरात साइकिल पर पीछे, तो उन्होंने काटने का प्रयास किया, तो जब इसका विरोध व्यापारी के द्वारा, तो लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया रवि। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है, रतनपुर बवाल के बाद पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई, 18 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया, एसपी ने तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित किया था, अब पुलिसकर्मियों का भी तबादला किया गया है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।